हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंपेटस एकेडमी। चलिए हम लोग पढ़ते हैं ओडब्ल्यूएस में आगे। आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन जो है अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि आपका एग्जाम जो है बहुत ही नज़दीक है। तो प्लीज़ पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं ओडब्ल्यूएस में आगे, देखिए। और आज जो है वो आपको ईयर स्पॉट करने का एक लेसन, साथ में आप जो इस लेसन के साथ में है जो वो अपलोड किया जाएगा, तो प्लीज़ उसे आप लोग कंप्लीट देख लें, क्योंकि उसमें जो है सीजीएल 4/6/2019 और 1/7/2019 का जो सीएचएसएल का एग्ज़ाम रहा है, ठीक है, उसमें जो आपको ईयर स्पॉट करने के लिए है उसमें बताया जा रहा है, ठीक है। तो उस लेसन को आप लोग अच्छे से देख लें, उसके साथ ही जो है लेसन आप लोग साथ में किया जाएगा, तो दोनों लेसन जो है साथ में आप लोग अच्छे से देख लें। तो चलिए ओडब्ल्यूएस अभी हम लोग इस लेसन में सीखते हैं। देखिए पहला क्या है, नॉट बीइंग एबल टू मेक अ मिस्टेक, मतलब कि गलती ना करने योग्य कोई चीज़ जो है वहाँ पे गलती आपको नहीं करना है। अगर आप गलती करेंगे तो पछताएंगे, ठीक है। तो नॉट बी एबल टू मेक अ मिस्टेक, ये आपका जो है सेंटेंस, इसका एक ओ डब्ल्यू एस चुनना होता है। आपके पास चार ऑप्शंस होते हैं, उसमें से कोई एक राइट आंसर होता है। तो देखिए आपके पास चार ऑप्शंस हैं, अब आप चार ऑप्शंस में से कौन सा अपना राइट आंसर टिक करेंगे बताइए। अगर आपको इन चारों वर्ड्स का हिंदी पता होगा, इनका अर्थ पता होगा, ठीक है, तो इसके लिए हर एक वर्ड आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जो आपको लेसन बताया जा रहा है इंटो साइनो, एक और जो एकदम कंबाइंड लेसन आएगा इंटो और साइनो का, लगभग 2 से 2.5 घंटे का, उसे कंप्लीट देख लें। 1994 से 2019 स्टिल डेट जितने भी इंटो साइनो हैं एसएससी के एग्जाम में, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, एनटीए, सब के वर्ड इनके हिंदी एक साथ आपको दिया जाएगा इंटो और साइनो बनाकर, ठीक है। तो आप कंप्लीट देख लें, एक भी वर्ड मिस ना करें। तो चलिए देखिए यहाँ पे हम लोग अभी सीखते हैं, नॉट बीइंग एबल टू मेक अ मिस्टेक, गलती ना करने योग्य, यहाँ पे हमारा राइट आंसर ए होगा, इनफॉलिएबल मतलब कि न गलती करने योग्य, राइट आंसर हमारा जो है यहाँ पे ऑप्शन ए होगा। नॉट बीइंग एबल टू मेक अ मिस्टेक यानी कि इनफॉलिएबल मतलब कि न गलती करने योग्य। देखिए मोनोगेमिस्ट मतलब होता है एक पत्नी प्रथा, ठीक है। पॉस्थ्यूमस मतलब होता है मरने के बाद, इटर्नल मतलब होता है सास वर्ड। अगर आपको ये नहीं भी याद है वर्ड्स तो आपको हल बनाने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर देखिए आप नीचे जब वीडियो के लास्ट में देखेंगे तो आपको हर एक वर्ड जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है आपको उनका हिंदी बता दिया गया है। जैसे यहाँ पर देखिए इटर्नल था उस ऑप्शन में, मोनोगेमिस्ट था उस क्वेश्चन में, एक पत्नी पर था, इटर्नल अविनाशी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये दोनों वर्ड जो है आपको दिख रहा है, तो इसलिए जो है आपको हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। हर एक वर्ड जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को कंप्लीट देखें, एक भी वर्ड मिस ना करें। चलिए आगे देखते हैं, अ प्लेस वेयर वाटर इज स्टोर्ड, एक ऐसा जगह जहाँ पर पानी जमा किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है रिजर्वियर मतलब कि हौज। इसे क्या कहा जाता है, रिजर्वियर मतलब हौज। आप देखते होंगे कि शहर में भी या फिर गाँव में भी एक सीमेंट टाइप का बना दिया जाता है, चौड़ा टाइप का, और उसमें जो है पानी स्टोर किया जाता है ताकि इमरजेंसी में उसे यूज किया जा सके, ठीक है। तो अ प्लेस वेयर वाटर इज स्टोर्ड उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है रिजर्वियर मतलब कि हौज। बाकी जो आपके 3 ऑप्शंस हैं, मॉब, मेमनेंसी और टर्क्यूज, इनका हिंदी नीचे वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा। मॉब मतलब शोरगुल मतलब कि जहाँ पर ज़्यादा लोग हों, मॉब मतलब भीड़ होता है, मेमनेंसी मतलब होता है याद है, टर्क्यूज मतलब जो आपको है वो लास्ट में आप देख लीजिए वीडियो पे। चलिए आगे देखते हैं, पोसेशन एंड यूज ऑफ लैंड एज वन साउंड प्रॉपर्टी, मतलब कि किसी और के ज़मीन पर अपना हक जताना और उसका प्रयोग करना, मतलब कि ज़मीन किसी और का है लेकिन आप जो है उस पर हक जता रहे हैं और उसका प्रयोग कर रहे हैं, उसे ओ डब्ल्यू एस में क्या कहा जाएगा, ठीक है। तो उसे ओ डब्ल्यू एस में क्या कहा जाएगा बताइए। आपके ऑप्शन हैं चार, स्कल्पचर, सैक्रिफाइस, सैक्रिलेज मतलब होता है धर्म उल्लंघन करना, जमेगी एग्जेरियस मतलब होता है स्त्री भक्त, ठीक है। तो जो आपका राइट आंसर है यहाँ पे देखिए क्या है, अगर आपको हिंदी नहीं पता है तो चलिए देखते हैं नीचे हर वर्ड का हिंदी क्या है ताकि आप भी जो है आसानी से समझ पाएँ। देखिए ये आपके वर्ड था जमेगी मतलब होता है जैन समुदाय का नेता, ठीक है। टर्क्यूज मतलब होता है फिरोजी रंग, यहाँ पर जो हमारे ऑप्शन हैं टर्गेज मतलब फिरोजी रंग, अच्छा ये सेक्रेलिज मतलब होता है धर्म उल्लंघन करना, जमगेज मतलब हो गया आपका जन समुदाय, एक्जोरियस मतलब हो गया आपका स्त्री भक्त। तो बाकी कौन ऑप्शन आपका बच गया, ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो गया, ठीक है। एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे के जमीन पर हक जताता है और उसका प्रयोग करता है उसे क्या कहा जाता है,
स्ट्रक्चर SCULPOR. तो हर एक वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप एक भी वर्ड यूज ना करें, वीडियो के लास्ट में देख लें उनका हिंदी. चलिए आगे देखते हैं. अ सीक्रेट प्लेस डिफिकल्ट टू असेस, एक ऐसा स्थान जहाँ पे पहुँचना बहुत ही मुश्किल है, जहाँ पहुँचना मुश्किल है उसे क्या कहा जाता है OWS में. ठीक है, तो उसे कहा जाता है ऑप्शन ए जो है आपका वो राइट आंसर हो गया. बाकी जो आपके ऑप्शन हैं देखिए, रिसेस मतलब सॉरी यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी हो गया, रिसेस मतलब कि पहुँच से बाहर. ठीक है, रिसेस मतलब कि पहुँच से बाहर. देखिए इनका हिंदी जो है यहाँ पे लिखा गया है. देखिए कौन कौन से वर्ड जो है आपके, गैरेजन मतलब कि सैन्य दूर, यही वर्ड था. और कौन सा वर्ड था आपका, चलिए नहीं है तो यहाँ पर देख लेते हैं. ठीक है, गैरेजन मतलब कि दुर्ग होता है, रिसेस पहुंच से बाहर, पेडेस्ट्रियन यानी कि पैदल यात्रा. तो हमारा ऑप्शन बी जो है यहाँ पे राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन सी जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया. गैरेजन मतलब होता है दुर्ग, मतलब कि दुर्ग मतलब क्या होता है, जो गेट टाइप का होता है वो हो गया दुर्ग. रिसेस मतलब हो गया पहुँच से बाहर. तो हमारा जो क्वेश्चन है वही कह रहा है कि जहाँ पहुँचना जो है वो मुश्किल हो, पहुँच से बाहर हो. ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया. चलिए आगे देखते हैं. एग्जिस्टिंग फॉर एवर विदाउट एनी बिगनिंग और एंड, एग्जिस्टिंग फॉर एवर विदाउट एनी बिगनिंग और एंड, जिसका कभी अंत ना हो उसे क्या कहा जाता है. उसे कहा जाता है शाश्वत, जिसका कोई अंत ना हो. इटरनल, इटरनल मतलब होता है शाश्वत. ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया. इटरनल मतलब होता है शाश्वत, जिसका कोई अंत ना हो. एग्जिस्टिंग फॉर एवर विदाउट एनी बिगनिंग और एंड, जिसका ना कोई अंत हो ना कोई शुरुआत हो. ठीक है, शाश्वत उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है इटरनल. ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो गया. चलिए आगे देखते हैं. अ चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, एक बच्चा जो जन्म लेता है अपने पिता के मृत्यु के बाद, उसे क्या कहा जाता है. उसे कहा जाता है पॉजिटिव ह्यूमस. क्या कहा जाता है, पॉजिटिव ह्यूमस, मतलब कि ऐसा बच्चा जो अपने पिता के मृत्यु के बाद जन्म लेता है उसे कहा जाता है पॉजिटिव ह्यूमस. यानी कि छठा का आंसर क्या हो गया, डी पॉजिटिव ह्यूमस, अ चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर. चलिए आगे देखते हैं. वन एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ वंस वाइफ, एक ऐसा व्यक्ति जो अपना अपनी वाइफ को जो है बहुत ज़्यादा चाहता है, मतलब कि स्त्री भक्त है वो. ठीक है, स्त्री भक्त. तो अभी जो है हम लोग ये जो है वो अभी हम लोग देखे थे हिंदी होता है स्त्री भक्त. एक ऐसा व्यक्ति जो अपने स्त्री अपने वाइफ को बहुत ज़्यादा चाहता है उसे कहा जाता है The state of being without wife. तो इसमें जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर. ठीक है, सेलिब्रेसी मतलब होता है ब्रह्मचर्य. ठीक है, सेलिब्रेसी मतलब क्या होता है, ब्रह्मचर्य. बाकी जो आपका ऑप्शन है उनका हिंदी जो है देखिए यहाँ पे दिया गया है, प्लेनिंग पोर्टनेरी जो है इनका होता है पूर्ण भिकारी, क्वारंटाइन मतलब होता है अलग होना, अपोस्टल मतलब होता है धर्म दूर. देखिए इस ऑप्शन में कौन कौन सा है, अच्छा इसमें तो सिर्फ दो ही मिला हमें. तो हमारा राइट आंसर जो है यहाँ पे ऑप्शन सी हो गया, सेलिब्रेसी. सेलिब्रेसी मतलब होता है ब्रह्मचर्य. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. अ डिजीज दैट स्प्रेड्स ओवर अ लार्ज एरिया, डिजीज मतलब क्या होता है, डिजीज मतलब होता है रोग. ठीक है, लोग पढ़ चुके हैं जो साइन में. अ डिजीज दैट स्प्रेड्स मतलब होता है फैलना ओवर अ लार्ज एरिया, मतलब एक बहुत बड़ी जगह पर जो है एक रोग फैल जाता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है इपिडेमिक. उसे क्या कहा जाता है, इपिडेमिक. तो अपोस्टल मतलब हो गया आपका धर्म दूत, एक्सटेम्पोर मतलब कि बिना तैयारी के, इनफ्लेमेबल मतलब कि ज्वलनशील, एपिडेमिक मतलब हो गया महामारी. ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो गया. एक ऐसा रूप जो एक बहुत बड़े जगह पर फैल गया है, महामारी टाइप का हो गया है, तो वहाँ पे जो आपका OWS हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा. चलिए आगे देखते हैं. मदर ऑफ अ सिस्टर, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने सिस्टर की मृत्यु करता है उसे क्या कहा जाता है, मतलब कि हाँ प्यारा अपनी बहन का उसे क्या कहा जाता है. उसे कहा जाता है सोरो री साइड. क्या कहा जाता है, सोरो री साइड, यानी कि मदर ऑफ अ सिस्टर, बहन की हत्या करने वाला उसे क्या कहा जाता है, सोरो री साइड. ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया. बाकी देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स के हिंदी है, ऐसे नेारी जैसा क्वारंटाइन मतलब अलग होना,
थियरी मतलब होता है पूर्ण अधिकारी, मोटिनेट मतलब जीतक स्कोर या फिर सख्त, देवगे मतलब होता है जन समुदाय का नेता, रिस्पॉन्स यानी कि निरंतर शासक, गैरिसन स्थानीय दुर्ग राजा लोक कालिका या सूची गणगणित मतलब याद, कल्चर मतलब विरोधी रंग, मोनोजेनिक एक पत्नी तथा इटर्नल मतलब हो गया आदिनाथ। ये है आपका आपके लिए इम्पोर्टेंट आपका ओ डब्ल्यू एस आज का। ठीक है, तो आई होप किया आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दें और शेयर भी कर दें अपने स्टडी ग्रुप्स में, ताकि और लोग जो है इसे देखें, सीखें, समझें और हमारे साथ जुड़ें। लेकिन कल के क्लास के लिए थैंक यू।